और मैं अभिनेत्री होने के बावजूद मैं नहीं डरती। मेरे दिल में देश के लिए प्रति प्यार है। कोई कल की उठी पागल लड़की साइकी लड़की आके नहीं कह सकती है कि हमें देश में देश भीख में मिला है करके। अपना अवार्ड ले जो उसने भीख में मांगा है और चुपचाप अपने घर में बैठे। देश के जवानों का खून, देश के नागरिकों का खून आज भी गर्म है। हमारे देश को आजादी दिलाइए, तब जाके आज हम मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस हूं। आप लोग अपने फील्ड में सक्सेस है। कोई डॉक्टर बना है तब सक्सेस है। देश आजाद है तभी हम सक्सेस है, तभी हम लोग सक्सेस है। हम काम कर रहे हैं। मैं सैड हूं इसलिए कल मुझे तबीयत मेरी खराब हो गई और रात को और मैं आज सुबह एडमिट हो गई। दोस्त ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमें। और मैं अभिनेत्री होने के बावजूद मैं नहीं डरती हूं, बिकॉज मेरे दिल में देश के लिए प्रति प्यार है। सब लोग खामोश होकर बैठ जाए। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मेरे दिल में मेरे देश के लिए कितना प्यार है, मेरे दिल में मुझे पता है। हमारे जवानों ने कितना बलिदान दिया है, हमारे नेताओं ने कितना बलिदान दिया है देश के आजादी के लिए। कोई कल की उठी पागल लड़की साइकी लड़की आके नहीं कह सकती है कि हमें देश में देश भीख में मिला है करके, नहीं कह सकती है। उसे किसने अधिकार दिया है, ये किसने अधिकार दिया है? अपना अवार्ड ले जो उसने भीख में मांगा है और चुपचाप अपने घर में बैठे। देश के प्रति एक भी टिप्पणी ना करें। देश के जवानों का खून, देश के नागरिकों का खून आज भी गर्म है। वो तुझे मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। अपना पद्मश्री अवार्ड पकड़ और चुपचाप घर में बैठ, अपना काम कर। भारत माता की जय, जय भारत। आज उन लोगों को कितना दुख हो रहा होगा, जवानों की फैमिली को, उन नेताओं की फैमिली को, जिन जिन लोगों ने हमारे देश आजाद करने में अपना खून पसीना बहाया। कितना फील हो रहा होगा। मैं विश्वास करती हूं कि हमारे देश में सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं, इसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे और ऐसे लोगों की आवाज अभी से बंद करेंगे ताकि ये लोग आगे और देश के खिलाफ न जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसने ऐसी टिप्पणी करी है ना देश के खिलाफ। बाहर के देश वाले लोग तो हंस रहे होंगे हमारे देश पर, ऐसे लोगों पर, कि इनके ही नागरिक ऐसे कैसे, इनके ही भारत देश के कुछ एक कुछ उनको सपोर्ट करने वाले या ये लड़की कैसे अपने देश के लिए ऐसे टिप्पणी कर सकती है। दोस्तों वो लोग हंस रहे होंगे, हमारे देश के बारे में क्या सोचते होंगे। क्या आप लोगों ने एक बार सोचा है मेरे मित्रों, क्या आप लोगों ने सोचा है ये बात कहां कहां उछली होगी जब कंगना ने कहा कि देश तो भीख में दिया गया, तुम्हें आजादी तो तुम्हें भीख में दी गई है। इसीलिए मेरी तबीयत खराब हुई, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूं, बहुत ज्यादा इमोशनल। कितने देश लोग खुश हो रहे होंगे ऐसी बातें सुनकर हमारे देश के खिलाफ, जो हमारे देश का नागरिक ही ऐसा बोल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि तू देश की नागरिक है, पता नहीं तू कहां से आई है, कि कौन से देश की रेजिडेंट है तू, जो हमारे देश में आके हमारे देश के खिलाफ बोल रही है। हां दोस्तों, मैं रेस्ट करना चाह रही हूं। मेरा बीपी अभी चेक किया गया, हाई हो गया था। आई लव, मुझे पता जो भी इस मेरा देख रहा है, मुझे हर कोई अपनी कंट्री का होगा, वो अपने देश से जरूर प्यार करेगा।
जब मैं बाहर किसी देश में जाती हूं, जब मेरा इंडियन पासपोर्ट होता है तो मैं बहुत गर्व करती हूं। मेरा पासपोर्ट में इंडिया मेरा नाम लिखा है। अब इंडिया का खाते हो, इंडिया के पासपोर्ट से वर्ल्ड ट्रैवल करते हो, इंडिया से कमाते हो, इंडिया को गाली देते हो, शेम ऑन यू। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जिसने अपनी मिट्टी की बेइज्जती की, तुम्हें तो अपने तुम्हें मिट्टी भी नहीं मिलेगी। जो अपनी मिट्टी को गाली देता है, जो अपने लोगों को गाली देता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गाइस, मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये देखो, सिस्टर मुझे चेक भी कर रही है। ये देखो, मैं हॉस्पिटल में हूँ दोस्तों। वो देखो, एकदम परफेक्ट, अभी ठीक है ना? ओके गाइस, ये देख सकते हैं मेरी आवाज आ रही है लोगों को? मेरी आवाज आ रही है क्या? फाइनली मैं बीमार हो गई हूँ, शॉक में हूँ कि एक अभिनेत्री ने कहा है, जिनको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला है, उन्होंने कहा है कि हमें आज़ादी भीख में दी गई है। मुझे एक टारगेट देना है, दे दो क्या? मैं इंटरव्यू ये फैन से बात करके फिर मैं आपको बोलती हूँ। 5 मिनट्स चलेगा, फिर आप मेरे को टैबलेट्स दे दो। चलेगा ना? ठीक है, थैंक यू। उन्होंने कहा है कि हमें देश में आज़ादी जो है 2014 में मिली है, और हमें देश की आज़ादी भीख में दी गई, हम पे दया की गई, हमें भीख में दी गई। क्या आप लोग आपके देश से प्यार नहीं करते हो क्या? मैं तो बहुत करती हूँ, मुझे पता है आप लोग भी करते हो। ऐसे लोगों को जैसे पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं, भीख तो तुम्हें मिली है, तुमने भीख मांगी होगी तब तुम्हें मिली है। हमारे देश के जवानों ने इतना बलिदान दिया, कारगिल पे झंडा लहराया, कारगिल पे जीत हासिल की। हमारे जवानों ने चाइना पे जीत हासिल की, पाकिस्तान पे जीत हासिल की। उनका बलिदान क्या व्यर्थ है?